समझते क्या अपने आपको? बहुत बड़े हो गए हो क्या? क्यों नहीं बताया हमें बेला के पैगाम के बारे में? क्यों नहीं बताया हमें कि आपकी मोहब्बत आपसे छीनी जा रही है? अगर कल उसी वक्त बता दिया होता ना, तो हम सब कुछ छोड़कर आपके साथ चल देते उसे लेने के लिए। इसी वजह से नहीं बताया शहजादे, क्योंकि हमें मालूम था आप जश्न छोड़ के हमारे साथ चलते, वो शादी रोकने, बेकार में तमाशा होता। वैसे भी हमने फैसला किया है कि हम बेला से दूर चले जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। वाह वाह शाबाश, क्या मोहब्बत है! वो लड़की होकर हिम्मत दिखा रही है इस उम्मीद में कि आप उसे लेने आओगे, और आप भाग जाना चाहते हो। हो गई मोहब्बत खत्म? मोहब्बत है शहजादे, मोहब्बत है, मगर एक सच भी है, और सच ये है कि हम एक आम सिपाही हैं और वो एक शहजादी, हम कभी एक नहीं हो सकते। तो ये सब मोहब्बत करने से पहले क्यों नहीं सोचा? क्योंकि उससे मोहब्बत, मोहब्बत करने से पहले सोचा नहीं जाता शहजादे, बस हो जाती है। बेशक, मगर फिर उस मोहब्बत की हिफाजत की जाती है। वो अपनी मोहब्बत का फर्ज निभा रही है आपको पैगाम भेजकर। आपको अपनी मोहब्बत का फर्ज निभाना है उसे वहां से लाकर, और हम अपना फर्ज निभाएंगे आपकी मदद करके। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। मेरी बात मानिए, आप वापस चले जाइए, वहां खतरा हो सकता है और आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। आपकी जान बेहद कीमती है। फरहान, आप तो जानते हैं कि हमें खतरों से खेलना पसंद है, पर इस बार तो मामला हमारी दोस्ती का है। हमारे दोस्त को उसकी मोहब्बत जो दिलानी है, इस बार हम आपका साथ निभाएंगे और अपना फर्ज भी। शुक्रिया शहजादे सलीम। कहाँ है शहजादे सलीम? ये तो कुतुब है ना? हाँ, ये तो कुतुब है। वो तो शहजादे सलीम ने हमें इनसे मिलवाया था, तो उनकी याद आ गई एकदम से। शुक्र है वो यहाँ नहीं है, अगर होते ना तो हम अभी इस नाव से कूद जाते। हाँ, मगर वैसे इतने बुरे भी नहीं है, लेकिन है तो शहजादे मगरूर, शहंशाह के बेटे ना जाने क्या सोचते होंगे अपने बारे में। हाँ वैसे ये तो आपने बिल्कुल सही फरमाया फरहान मियां, शहजादे ना कुछ अलग ही किस्म के होते हैं। वही तो कहने को, आप दोनों के दोस्त हैं, अगर वो चाहते तो यहाँ आकर बिना किसी टकराव की शादी रोक सकते थे, मगर नहीं, क्यों आएंगे, शहजादे है ना। मगर कुतुब को देखो, अपनी जान की परवाह किए बिना आपके साथ चले आए। बजा फरमाया आपने, इसीलिए हमें आम इंसान पसंद है, शहजादे ने। बेशक, हमें भी ना आम इंसानों से दोस्ती करना अच्छा लगता है। फरहान, हमें लगता है कि आपको आराम कर लेना चाहिए, नाव हम चला लेंगे। कुछ ही देर में आपको बेला से मिलना है, आपका तरो ताजा दिखना जरूरी है। लेकिन मगर फरहान ने कहा ना, आप सो जाइए, लाइए। बात बताओ, आपने इतना बड़ा खतरा क्यों लिया? हो सकता है बेला को बचाने की कोशिश में आपकी जान भी चली जाए। अगर इस कोशिश में हमारी जान भी चली जाती है तो कम नहीं, सुकून रहेगा कि मोहब्बत के लिए मरे, जिस मोहब्बत को पाने के लिए जिए उसी के लिए फना हो गए, और जो मौत मोहब्बत के नाम आए वो जन्नत से भी अच्छी है। क्या खूब सोच है, खुशकिस्मत होगी वो लड़की जो आपकी बनेगी। मेरी सहेली, अब आंसू बहाना बंद करो, बात बन गई है। तुम्हारे महबूब फरहान तुम्हें ले जाने के लिए बाहर इंतजार कर रहे हैं, चलने को तैयार हो जाओ। अच्छा हुआ वो आ गए हैं, वरना इस विवाह में हम नहीं हमारी लाश जाती। ये है हमारे होने वाले जमाता द्रुमत। हमारी बस यही दुआ है कि आप सही सलामत रहें, मुगल सल्तनत हमेशा आपके साथ रहेगी।
शादी मुबारक हो। बेटी जल्दी से तैयार हो जाओ, जल्दी करो, वक्त हो गया है। आ चुकी है, पुष्ट करो। अब चाहिए हमें आप सबको संभाल लेंगे, सबको अपने तीर के निशाने पर रखेंगे ताकि कोई आपको रोक ना सके। चलो बेला, कुलदेवी के सामने विवाह बेदी में चले, लगन का समय हो गया है। शहनशाह अकबर भी शादी में मौजूद है, अपनी फौज के सिपाही कुतुब और फरहान को देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। हमें जाकर इन दोनों को इत्तला देनी होगी कि शहनशाह भी यहां मौजूद है। चोर कैसा है मालूम करो। मुगल सैनिक ने बेला का हरण कर लिया है। अवश्य वही होगा, हम उसे स्वयं प्राण दंड देंगे। चलो सैनिकों। ये वही सिपाही है बेला को अगवा करने आया है, जीवित नहीं जाना चाहिए। किसने की है गुस्ताखी? सैनिको निशाना साधो, वो बचकर नहीं जाना चाहिए। चाहते हैं शहंशाह, आपके पुत्र के कारण हमारे होने वाले जमाता की मौत हो गई। शहजादे सलीम के साथ वही मुगल सैनिक था जो हमारी बेटी बेला के पीछे पड़ा था। उसके साथ मिलकर शहजादे हमारी बेटी का हरण करने आए हैं। हमने ये बात राजा भगवान दास जी को भी बताई थी। हम्बार जी ठीक कह रहे हैं शहंशाह। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।